तो हेलो गाइस, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। मैं आप सबका लकी मिस्टर एलवेज। सो गाइस, मैं पिछले 3 महीने से निकला हूँ भारत यात्रा में, और आज यात्रा के दौरान मैं आनंद जिले में पहुँचा हूँ, वसद गांव में। तो यहाँ पे हमारे साथ हमारे तुलाराम जी हैं, इनके घर पे मैं स्टे किया हूँ। और आज जो बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, समाज के लोग आए थे, सारे चीज़ें, तो वो भी आप वीडियो में देखेंगे। और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, हमारे स्पेशल बॉय हैं अगस्त सेन जी, जो कई सारे समाज का नाम रोशन किया है, और स्केटिंग करते हुए पूरा यहाँ गुजरात से, बड़ौदा से दिल्ली तक गया है। फिर उसने रामेश्वरम से अयोध्या की यात्रा भी किया स्केटिंग करते हुए, और अभी इनका प्लान चल रहा है कि आगे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड भी तैयार कर रहे हैं। तो उसकी तैयारी के लिए जो कार्यक्रम चल रहा है, वो सारे जिनसे जानेंगे कैसे इन्होंने स्ट्रगल करते वहाँ तक पहुँचा, और स्केटिंग के दौरान क्या क्या कठिनाइयाँ है, कैसे समाज में अवेयरनेस आया, सारे चीज़ इनसे जानकारी लेंगे। तो आइए मुलाकात करते हैं, बातें करते हैं। कैसे हैं अगर सर, कैसे हैं आप? गुड। आपने समाज का नाम रोशन किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और मैं भी पिछले 2 महीने से यात्रा कर रहा हूँ, तो आपसे मुलाकात की आज, बहुत बहुत धन्यवाद तो है ही। मैं भी अपने आप को गर्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पहुँचा हूँ। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ तुलाराम जी हैं, जो मंत्री हैं हमारे समाज के, और इनसे भी मुलाकात किया, बहुत अच्छा लग रहा है। भाई अगस्त जी से जानते हैं, तो अगस्त जी ये बताइए कि आपने ये स्केटिंग का प्रोग्राम कैसे, मतलब आपने आपके मन में आया कि मुझे ये यात्रा करना है, और क्योंकि कहीं ना कहीं आप हाईवे में जब चलते हो तो काफ़ी सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कैसे सामना करते हो आप पहुँचे? तो नॉर्मली तो मैं 5th स्टैंडर्ड में था, तब से आई थिंक मैं स्केट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने 1 साल किया 5th स्टैंडर्ड में, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। तो उसके बाद 6th स्टैंडर्ड के बाद मैं 12th स्टैंडर्ड में फिर से स्केट लाया। तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, एक बार कुछ करता हूँ, तो इसलिए मैं सबसे पहले गया मिस नॉर्मली कि आनंद टू वडोदरा 48 किलोमीटर्स। तो 48 किलोमीटर्स कवर करने के लिए मैं मॉर्निंग 5 o'clock निकल गया। बीच में ऐसा हो गया कि नॉर्मल मेरा मेजर एक्सीडेंट हो गया, मीन्स मैं गिर गया। अच्छा। तो उसकी वजह से मुझे बहुत सारी चोट आ गई, खून वगैरह हो गया था हाथ में। तो तब मैंने सोचा था कि अभी यहाँ से मैं घर जाऊँगा। अच्छा। तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। अच्छा। तो जब गिरा तब मैंने सोचा कि नहीं, आगे बढ़ना चाहिए। तो मैंने 48 किलोमीटर्स किया कंटिन्यू, हाथ में ब्लडिंग हो रहा है तब भी। उसके बाद मैं वडोदरा पहुंचा, तो वो कंप्लीट करने के बाद मुझे एक अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मैं कुछ आगे कर पाऊंगा। तो उसके लिए फिर मैंने स्टैचू ऑफ यूनिटी गया, जब सरदार जयंती थी हमारी, तो उस टाइम पे करम सज जो बॉन्ड प्लेस है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, तो वहाँ से लेके स्टैचू ऑफ यूनिटी किया 145 किलोमीटर्स 20 आवर्स में। तो उसके बाद नॉर्मली यहाँ पे जो भारत के वीर शहीद जो सैनिक है, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गया। उसके बाद मैं वडोदरा से दिल्ली, जो भारत के तमाम वीर शहीद है, तो उनको मैं क्यों श्रद्धांजलि ना दूँ, जो हमारे लिए तैनात है, देश के लिए तैनात है, और जो अपने देश के लिए मर मिटते शहीद हो जाते, तो उनके लिए मैं कुछ क्यों ना करूँ। तो एक दिल से इच्छा थी कि इनके लिए कुछ करूँ, तो इसीलिए मैं श्रद्धांजलि अपने पैशन जो उसके हिसाब से उनको श्रद्धांजलि देने गया। तो मैं वडोदरा से दिल्ली किया 1100 किलोमीटर 14 दिन में। ग्यारह सौ किलोमीटर। और उसके बाद आया हमारे भव्य श्री राम जी, जो हमारे अयोध्या में फिर से 500 साल बाद विराजमान हो रहे। कितनी पीढ़ियाँ थी, तो उनको ये पल देखने को नहीं मिला। हम वो पीढ़ी है कि हमें ये देखने को मिला कि हमारे भगवान श्री राम फिर से उनके नगरी में विराजमान हो रहे, तो उनके लिए हम क्यों कुछ ना करें। और मेरे पापा भी एक कार सेवक रहे, जो 1992 में बाबरी मस्जिद ध्वंस हुआ था, तो उस टाइम पे मेरे पापा भी कार सेवक थे। अच्छा। तो उस टाइम पे और उस टाइम पे वो बजरंग दल के प्रमुख भी थे, आनंद खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के। अच्छा। उन्होंने ही मुझे आइडिया दिया था कि तुम कुछ ऐसा करो। तो मैंने सोचा कि भगवान श्री राम 14 वर्ष वनवास टाइम जिस जगह पे रुके है भारत के अंदर, तो वो मैं क्यों ना करूं। तो इसलिए भगवान उत्तर से दक्षिण गए, तो मैंने सोचा मैं दक्षिण से उत्तर जाऊंगा और उनकी तपोभूमि जो है तो वो मैं कलश में लेके जाऊंगा। तो इसलिए मैंने रामेश्वरम राम सेतु से लेके अयोध्या राम मंदिर तक स्केटिंग यात्रा की, और वो थी 4532 किलोमीटर 72 डेज में मैंने कंप्लीट किया, और फाइनली मैं अयोध्या में पहुंच गया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, आपने सब चीज काम किया। तो आप जब रामेश्वरम से चले होंगे तो कौन कौन से स्टेट से होते हुए गुजरे? मैंने रामेश्वरम से स्टार्ट किया, तो वो तो तमिलनाडु था, तो तमिलनाडु कर्नाटका
महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उतना मैंने क्रॉस किया था वहाँ पे। तो मध्य प्रदेश हमारे छत्तीसगढ़ भी गए होंगे फिर आप? नहीं, छत्तीसगढ़ से जाना है, क्योंकि मोस्ट ऑफली जो भगवान श्री राम की मेन मेन जो पॉइंट है जहाँ पे वो रुके थे, तो वो सब जगह मेन पॉइंट तो हमारे यहाँ भगवान राम जी का जन्म स्थल माता कौशल्या का धाम है हमारे यहाँ। मीन्स वनवास टाइम का भगवान श्री राम का जो जगह है, जो वनवास टाइम भगवान गए थे सीता माता को खोजने के लिए, उनको 14 वर्ष वनवास हुआ, वो सब जगह फिर हाँ, तो वो सब जगह पे मैं गया था, जैसे अच्छा। रामेश्वरम राम सेतु है, किष्किंधा है, फिर ये पंचवटी है, चित्रकूट है, प्रयागराज है, वो सब जगह है जो भगवान की, वो सब जगह जाते जाते उनकी चरण भूमि लेके गया, और अयोध्या में जो हमारा श्री राम जन्म भूमि जो ट्रस्ट है उनको अर्पण किया, और साथ ही साथ जो हमारे जगत गुरु है राम भद्राचार्य जी, तो उनको भी मैंने वो कलश अर्पण किया, और अभी दूसरे एक दो कलश मेरे पास पड़े हैं, वो भी आगे मुझे बहुत लोगों को देने हैं। अभी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका भी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए तैयारी चल रहा है, उसके लिए आप क्या प्लान कर रहे हैं? अभी तो ऐसा है कि मैं नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मुझे गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाना है, पर अभी वो मैंने कन्फर्म नहीं किया है कि मैं कहाँ से कहाँ करूँगा, तो वो भी मेरा प्लानिंग चल रहा है, प्रिपरेशन करूँगा अभी, और अभी मेरी प्रैक्टिस भी स्टार्ट होगी, क्योंकि वो 72 डेज मैंने कंटिन्यू स्केटिंग खींचा, तो उसकी वजह से बॉडी मेरा थोड़ा वीक था, तो अभी बॉडी को मैं फिर से एक्टिव करने के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, क्योंकि फिजिकली पहले मुझे फिट होना पड़ेगा, उसके बाद मैं कुछ कर पाऊँगा, तो इसीलिए अभी प्रैक्टिस स्टार्ट होगा मेरा नेक्स्ट मंथ, उसके बाद मैं गिनीज बुक के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँगा। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए क्या उसमें है, कौन कितना बुक ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप क्या बनाना चाहते हैं उसमें? तो गिनीज बुक रिकॉर्ड ऐसा 1986 जर्मनी का है, जो उन्होंने उन्होंने 8596 किलोमीटर 108 डेज में कंप्लीट किया था। अच्छा। तो मुझे वही ब्रेक करना है, भगवान की इच्छा वो हो जाए, और नेक्स्ट ईयर जो मैं रिकॉर्ड ब्रेक करूंगा, तो आई थिंक 14 इयर्स बाद कोई कंट्री ऐसी होगी कि ये रिकॉर्ड ब्रेक करेगी, तो इंडिया होगा, और इंडिया में भी मैं करूंगा, तो मेरे लिए अलग ही खुशी होगी। बहुत बढ़िया। और फिर जैसे आपने इतने सारे चीज़ नाम कमाया, समाज का नाम रोशन किए, तो कहीं ना कहीं हमारा यूथ समाज है, तो उस यूथ समाज को क्या संदेश देना चाहोगे आपके माध्यम से? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है ना, जो अभी सबसे ज़्यादा क्या है, सोशल मीडिया, ऐसा नहीं, मैं भी देखो 22 इयर्स का, मैं भी एक यंग हूँ, ठीक है, तो मुझे भी पता है फ़ोन हमें यूज़ करना है नहीं करना है, पर हाँ किस टाइम पे क्या करना है, अपना एक गोल, एक ध्येय निश्चित रखिए कि नहीं हमें ये गोल तक पहुँचना है, कोई भी समाज का कार्य एक्टिव रहना हो कि अपना पर्सनल कार्य करना, अपना एक गोल है वो फिक्स रखिए, तो आप उस पर ध्यान दे गए तो बहुत बढ़िया। आप ऐसा नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आप फोन यूज मत करो, पर साथ ही साथ अपने गोल पे भी ध्यान दो, तो आप सबसे ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे, और हाँ अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखिए, वरना अभी का यूथ क्या है कि डीमोटिवेट ज़्यादा हो जाती है। अच्छा। पर मोटिवेट खुद ही रखो कि आप लोग को है ना कि देखो ये क्यों नहीं हुआ, तो उसके पीछे रिसर्च करो कि नहीं ये कार्य मेरे से क्यों नहीं हुआ, तो उसके बाद ही आप सक्सेसफुल हो पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गाइस, ये हमारे साथ अगस्त सेन जी थे, जो स्केटिंग मास्टर के नाम से जाने जाते हैं, और काफ़ी सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, और अभी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड ही बनाने वाले हैं, उसके भी तैयारी चल रहा है, तो इनसे जाने, सामाजिक चर्चा किया। तो हमारे साथ तुलाराम जी हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में या कुछ पूछना चाहेंगे? ये हमारे अध्यक्ष सेन हैं, इन्होंने हमारे समाज का नाम रोशन किया है, और मैं उनको शुभकामना देता हूँ, इससे और ज़्यादा रोशन किए समाज का नाम, और खुद भी बहुत आगे बढ़े। साथ में हमारे लक्की सेन हैं, जो भारत भ्रमण कर रहे हैं, और भारत भ्रमण करते करते बहुत से राज्य से होकर जब गुजरात पधारे, उनको भी मैं शुभकामना देता हूँ कि आप खूब आगे बढ़ें और अपने समाज का नाम रोशन करें। बस जय सेन जी महाराज। जय सेन जी महाराज। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ऐसे ही फंटास्टिक लोगों से मुलाकात करवाते रहेंगे, बातें करवाते रहेंगे, और सामाजिक चर्चा करते रहेंगे। भाई को फुल सपोर्ट करना।